5 दिन से आपने देखा होगा जो जो बीजेपी लगातार रोज के रोज पेट्रोल के दाम बढ़ाई जा रही है, डीजल के दाम बढ़ाई जा रही है और उसके नतीजे में लो आम आदमी जो पिस रहा है और जो परेशानी लोगों को आ रही है, इसी की वजह से आज कांग्रेस जो कठुआ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं और रसोई गैस की कीमतें ये कम हों ताकि आम आदमी को इससे निजात मिल सके। और पिछले दिनों आपने देखा होगा जब इलेक्शन थे तब इन्होंने कोई काम नहीं दाम बढ़ाया और बिल्कुल बड़े लोगों को कहा कि हमने अच्छे अच्छे काम करेंगे और जैसे ही इनकी सरकार बनी वो वैसे ही इन्होंने अपने वो दोगलेपन की नीति दिखाई और उसका नतीजा आज लोग भुगत रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा दाम बढ़ेंगे और लोगों को जो लोग बेचारे खाने की परेशानी में, जो खाने का तेल है उसकी कीमतें आप देखें कहां से कहां पहुंच गई, जो 75 रुपये लीटर था आज 200 रुपये लीटर हो गया है और मुझे लगता नहीं है कि ये महंगाई कम होगी। ये लोगों की जान लेके रहेंगे और ये पार्टी ऐसी है चाहती है कि लोग सड़कों पे आएँ, लोग मरें और ताकि ये इनको तभी खुशी होती है। मैं समझता हूँ कि ऐसी पार्टी जो है ये जब से हिंदुस्तान में आई है तब से जो सिस्टम इन्होंने बिगाड़ा है और जो महंगाई की मार लोगों के ऊपर पड़ रही है, मुझे लगता नहीं कि ये कम होगी। लेकिन लोग ही हैं, कोई भगवान ही हैं, आकर नीचे कोई इनको सद्बुद्धि दे और किसी तरीके से ये इन लोगों की बात समझें और इस महंगाई से निजात मिले। आज का ये प्रोटेस्ट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। हमारे लीडर राहुल गांधी जी दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं के निर्देश पर ये हर ज़िले में हर ब्लॉक लेवल पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि आज आप देखो कि दुनिया पूरा हिंदुस्तान इतनी भुखमरी में आ गया है, महंगाई कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि तेल की कीमतें हम 30-35 रुपए लाएंगे, कांग्रेस से हमें निजात कराओ, और लोगों ने इन पे यकीन करके इनको यहाँ तक लाया और इन्होंने उसका बदले में ये सिला दिया कि आज 100 रुपया छू रही है पेट्रोल की कीमतें और आप आटा चावल दाल गैस हर चीज़ पे लोगों का जीना मुहाल हो रहा है और उसी पे आज कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और जन जन की आवाज़ लोगों की आवाज़ जे उठा रही है कांग्रेस पार्टी। क्या कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो जूटी का जो दर्जा दिया उसके बाद कितने हालात बदले हैं, कैसे? नहीं, जूटी के दर्जे से कोई हालात कहाँ बदले हैं, हमें बताओ। हमारी जो बच्चों की नौकरियाँ थी, जो हमारे लोगों के हक थे, वो भी हक छीने गए हैं। एक तो वैसे ही रोज़गार नहीं है हमारी रियासत में, या हमारे क्षेत्र की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करें, तो हमारे क्षेत्र में वैसे ही रोज़गार नहीं है। कोई इंडस्ट्री का कोई यहाँ बहुत बड़ा पैकेज नहीं है, कोई इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप नहीं है, कोई खेतीबाड़ी की ज़्यादा यहाँ पे रोज़गार नहीं है, बिजनेस व्यापार नहीं है,
और ऊपर से जो लोग अपनी सरकारी नौकरियां ढूंढते थे, उनमें कहीं अपना फ्यूचर देखते थे बच्चे, मुझे लगता है वो भी छिन गई हैं। 370 पूरे हिंदुस्तान के साथ जुड़ गया है। आज कन्याकुमारी का आदमी भी यहाँ पे फॉर्म भर सकता है और हमारे बच्चों का हक ले रहे हैं। मैं समझता हूँ जो इससे भी आप 370 टूटने से जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान हुआ है। लोकतंत्र में धरने पर बैठना, प्रदर्शन करना, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियों का एक नैतिक अधिकार है, आम आदमी का अधिकार है। अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से हम कोई धरना दे रहे हैं और अगर पुलिस अगर कोई कोशिश करती है, कोई अपना जोर जबरदस्ती जान पे कोई दबाव आता है, तो हम पूरा उसका मुकाबला करेंगे। हमने पूरा एक लोकतंत्र में एक नियम है, अगर आप धरने पे बैठते हैं, अगर हमने यहाँ पे कोई लोगों की असुविधा के लिए धरना नहीं दिया है, हमने अपनी बातों को उजागर करने के लिए धरना दिया है और हमने यहाँ मार्ग को एक तरफ से इसलिए खुला रखा है कि कोई बीमार हो सकता है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को एग्ज़ाम के लिए जाना है, किसी को वहाँ जाना है और उसका भी कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। और बाद में जैसे कि अभी आपने देखा कि टोल प्लाजा में भी 10% की बढ़ोतरी कर दी है, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ा लो, गैस की पेट्रोल की कीमतें बढ़ा लो और लोगों का नुकसान कर लो। क्या देखते हैं, कांग्रेस 4 राज्यों में चित हुई है, बुरी तरह से हार जो है वो देखने को मिली है और पंजाब में जहाँ पर बड़े दावे थे कि रिवाइव करेगी कांग्रेस, क्या देखते हैं अगर ऐसा रवैया रहा तो देश में कहीं कांग्रेस नजर आएगी? देखिए कि हिंदुस्तान में कांग्रेस सबसे बड़ी लोकतंत्र की जमात है और हम सब लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो लोकतंत्र के मूल्यों पे, नैतिक आधारों पे चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में हर एक आदमी को ये अधिकार है कि वो अपने चुनाव में अपने आप को पार्टिसिपेट करे और लोकतंत्र में जो जनता का फैसला होता है वो सबके लिए मंजूर होता है और कांग्रेस ने जो भी चुनाव लड़ा पूरी मुस्तैदी से, पूरे संविधान को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ा है और हमने सीखा है, हार से भी पराजय से भी सीखा है और आने वाले विधानसभा चुनावों में हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस अपना अच्छे अधिकार के साथ आगे आए। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के 2 गुट नजर आ रहे हैं, लगातार आपसी बंदर कभी नजर नहीं आते, तो क्या लगता है कि इस तरह के प्रदर्शन कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं आपसी गुटबाजी से? मैं ये कहूँगा कि महंगाई और ये डीजल प्राइस की जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, गैस की, ये सबके लिए हुई है, बीजेपी के लिए हुई है, कांग्रेस के लिए हुई है, एक के लिए हुई है, दूसरी के लिए हुई है, हम सब एकजुट जहाँ कठुआ की कांग्रेस, आप देखेंगे निर्दोष शर्मा जी हमारे PCC के सेक्रेटरी हैं, पठानिया जी हमारे सेक्रेटरी हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं, सरदार रविंद्रपाल सिंह नीटू जी, सतपाल भंडारी जी ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, अरुण मेहता जी जनरल सेक्रेटरी हैं, गुरुदेव जी युवा कांग्रेस के हैं, भोईराज जी OBC के हैं, पवन जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और बाकी सारे साथी यहाँ एकजुट के साथ बैठे हुए हैं। आप अखबारी खबरों में कोई ध्यान अपना आकर्षित कर रहे हैं तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कठुआ में कांग्रेस मजबूत है और हम मजबूती से लोगों के उसमें हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष का कहना है जो जम्मू कश्मीर से कि हम आने वाले समय में राशन भी मुफ्त देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे। देखिए कभी 1,00,000 नौकरियां, कभी 51,000 नौकरियां, अब आने वाले दिनों में उन्होंने ये टोल पे जो 10% बढ़ाया है, कोई लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, लीकर माफिया, उन माफियों की बात करें तो मैं समझता हूँ वैसी वाली माफिया वो दे रहे हैं, राशन रूशन की माफी नहीं दे रहे, वो माफिया दे रहे हैं। आपको सुनने में गलती लगी हो तो अगली बार उनसे सवाल करें तो लैंड माफिया, लीकर माफिया, माइनिंग माफिया, इन सब माफिया, टोल माफिया के बारे में भी आप